प्रियंका गांधी वाड्रा के पति सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और उससे बचने के लिए उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत में अर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दायर की गई है, जिसमें 11 जनवरी को वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। वाड्रा ने अपनी याचिका में मामले पर जल्द सुनवाई की अपील की है। माना जा रहा है कि कोर्ट इस पर आज ही फैसला सुना सकता है। इसमें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की गुजारिश है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वाड्रा के करीबी कहे जाने वाले मनोज अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यह मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित करीब 17 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी का है, जिसमें ईडी का आरोप है कि यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुआ है। ईडी का यह भी दावा है कि इस संपत्ति के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं और खरीदारी में मनोज अरोड़ा ने उनकी मदद की है। माना जा रहा है कि सहयोगी मनोज अरोड़ा पर शिकंजा कसने के बाद ईडी वाड्रा पर भी एक्शन ले सकती है, लेकिन अब पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल कर उन्होंने गिरफ्तारी की बंदूक का मुंह अपने से दूर मोड़ने की कोशिश की है।